PSL के मैच में बीच मैदान हरीश राउत ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी को जड़ दिया है थप्पड़। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों जड़ा है हरीश राउत ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी को थप्पड़, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी है पाकिस्तान सुपर लीग के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 लगातार विवादों में घिर रहा है। पहले जेम्स फॉकनर ने पैसे न मिलने की बात कहकर इस लीग में खेलने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीसीबी ने आरोप लगाए कि फॉकनर ने शराब पीकर पाकिस्तान के एक होटल में तोड़फोड़ की थी। फॉकनर के अलावा एलेक्स हेल्स और पॉल स्ट्रगलिंग जैसे खिलाड़ी भी इस लीग से अलग हो चुके हैं। अब यहां एक और विवाद सामने आया है। पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज ने मैदान में ही अपने साथी खिलाड़ी को थप्पड़ जड़ दिया है। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाहौर कलंदर्स लिए खेलने वाली हरीश राउत ने अपने साथी खिलाड़ी कामरान गुलाम को थप्पड़ मारा है। पेशावर जालमी के खिलाफ मैच में गुलाम ने राउत की गेंद पर हजरतुल्ला जजाई का कैच छोड़ दिया था। इसी ओवर की आखिरी गेंद में मोहम्मद हारिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन फवाद अहमद ने एक अच्छा कैच पकड़ते हुए उन्हें आउट कर दिया। हारिस के आउट होने पर लाहौर कलंदर्स के सभी खिलाड़ी रऊफ के साथ जश्न मनाने पहुंचे। कामरान गुलाम भी इनमें शामिल थे। इसी दौरान रऊफ ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि किसी खिलाड़ी ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया है और मैच में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। इस मामले पर पीसीबी ने भी अब तक रऊफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गुलाम ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आईपीएल के पहले सीजन में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने तेज गेंदबाज श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। इस सीजन में हरभजन मुंबई और श्रीसंत किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते थे। दोनों टीमों के बीच मैच के बाद हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन दोनों ने आपस में ही मामला सुलझा लिया था। पीएसएल में पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। साल 2016 में वहाब रियाज और अहमद शहजाद आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान रियाज ने शहजाद को धक्का दिया था और दोनों के बीच मारपीट जैसी स्थिति बन गई थी। इस घटना के बाद रियाज पर 40% और शहजाद पर 30% का जुर्माना लगाया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।